आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, घंटी पे क्लिक करिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करिए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा मूसली पाक से रिलेटेड। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस मूसली पाक वाली वीडियो थी वो देख ली होगी और बहुत पसंद भी करी है। बहुत सारे अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आ गए हैं उस वीडियो पे ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि उस वीडियो में जो कमेंट्स आए हैं या उस वीडियो से रिलेटेड जो मेरे पास ईमेल्स आए हैं जिसमें आपके कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं आज जवाब देता हूँ। और कोशिश करूँगा कि सारे आपके सवालों को मैं इस जवाब दे सकूँ आपके सभी सवालों का। और कोई अगर रह जाए बाय चांस तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मेरे को बहुत खुशी होगी उसका जवाब देने के लिए। तो ये है मूसली पाक, आप देख सकते हैं पतंजलि का मूसली पाक मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। अब तो शायद दो या तीन डब्बे मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी। इसके सेटिस्फैक्ट्री इफ़ेक्ट्स हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डाबर का भी आता है, बैद्यनाथ का भी आता है, तो ले सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब आपके क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था मेरे से उस वीडियो के अंदर कमेंट आया था कि मूसली पाक का प्रयोग खाने से पहले करना है या खाने के बाद में। तो जो फ्रेंड्स मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद के अंदर 2 चम्मच मूसली पाक दूध में मिक्स करके पी जाता हूँ। अब मिक्स कैसे करना है कि बहुत फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि मिक्स नहीं हो रहा है दूध के अंदर। तो ऐसा है कि चम्मच डालेंगे दूध के अंदर तो वो ऐसे मिक्स नहीं होता है, उसके लिए एक शेकर यूज़ करना पड़ेगा हमारे को। शेकर ले लीजिए, शेकर यूज़ करेंगे, विद इन 1 मिनट ही वो पूरा मिक्सअप हो जाता है बढ़िया से शेकर से, और उसके बाद पी सकते हैं जैसे प्रोटीन शेक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो है पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि पानी और दूध का फ़र्क ये है कि दूध के साथ क्या होता है कि बहुत सारे हम लोगों में क्या होता है कि दूध से या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है हम लोगों को। तो पानी से भी आप लोग ले सकते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो दूध के साथ रहता है। निवाया सा दूध होना चाहिए, उसके साथ प्रेफर रहता है करना। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं मूसली पाक के, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था मेरे से। तो साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं या आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, या क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा हो रहता है गर्म तत्व रहते हैं जो गर्माहट करते हैं शरीर के अंदर जाके, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको भूख ना लगे इसको खाने के बाद में। उसका रीज़न क्या है भूख ना लगने का, क्योंकि मूसली पाक खुद एक जो ये प्रोडक्ट है ये काफ़ी हैवी होता है, स्लो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, धीरे धीरे हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है। तो इसलिए प्रेफरेबल रहता है कि आप खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद इसको खाएं। फोर्थ क्वेश्चन जो आया है कितने दिन में इफ़ेक्ट करता है ये बात जो है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत समझने वाली बात है कितने दिन में इफ़ेक्ट करता है। इसका कोई देखिए ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है कि 10 दिन में इफ़ेक्ट करेगा, 15 दिन में करेगा या 6 दिन में कर जाएगा। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी में किस लेवल तक स्ट्रेंथ है, क्या आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं या आप माइल्ड सी वीकनेस फील कर रहे हैं या एवरेज वीकनेस फील कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये आपको इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते हैं कि 6 दिन में ही काम कर जाएगा। देखिए मेरे केस के अंदर 15 से 20 दिन लगे थे मुझे महसूस होने में कि हाँ जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसका इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग गया था मुझे। वो कैसे महसूस होने लगता है कि भाई स्टैमिना थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है, जहाँ मैं 1 किलोमीटर की वॉकिंग करता था डेली मैं 1.5 किलोमीटर की करने लग गया, 2 किलोमीटर की करने लग गया, और भी जगह पर स्टैमिना बढ़ा मेरा, काफ़ी सारे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स भी आने लग गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे ना, उसी के बाद में आपको एकदम स्पेसिफिक डॉक्टर आपको सजेशन कर पाएगा कि भाई आपको इसने से इतने टाइम तक और इतनी डोज लेनी है, क्योंकि डोज भी सेट करनी पड़ती है। मैं 2 चम्मच ले रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है आपको भी 2 चम्मच से ही फ़ायदा हो जाए, हो सकता है आपको 1 ही चम्मच खाने की ज़रूरत हो या हो सकता है आपको 4 चम्मच खाने की ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है आपको, या फिर आप अपनी तरफ से एनालाइज करके डोजेस ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर ओवरडोज होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी, और कॉन्स्टिपेशन होगी तो बहुत ज़्यादा आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है
दिन में कितनी बार लेना है? दिन में ये 2 बार लेना होता है, एक बार सुबह एक बार शाम को, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया 3-4 घंटे के खाने के गैप पे, कम से कम 2 घंटे का खाने का गैप रखना है, उसी के बाद लेना है आपको ये। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं जो भी प्रिस्क्राइब डोज हो आपकी। छठा क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है कि गर्मियों में इसका सेवन कर सकते हैं नहीं कर सकते? बहुत एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मिथ फैली हुई है हमारे सब लोगों में कि गर्मियों में शिलाजीत नहीं लेनी है, गर्मियों में मूसली पाक नहीं ले सकते हैं, श्वेत मूसली नहीं लेना है गर्मी में, और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं वो गर्मियों में नहीं लेनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्मियों में नहीं ले सकते या सर्दियों में नहीं ले सकते। हर चीज़ को यूज़ करने का एक तरीका होता है, वो तरीका पता होना चाहिए हमारे को, और वो तरीका ये है कि हम इसको 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, चाहे कैसा भी मौसम हो। लेकिन तरीका क्या है, अगर गर्मी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को एक तो पानी का इनटेक बढ़ा देना है। सपोज़ करिए अगर सर्दी में 1 लीटर पानी पीते हैं तो गर्मी में 2 लीटर पीना है, सर्दी में 2 लीटर पानी पीते हैं तो गर्मी के अंदर 4 लीटर पानी दिन के अंदर पीना है, और पानी पीना है बैठ के और घूट घूट करके पीना है, एक एक सिप करके पीना है, एकदम से पूरा बोतल 1 लीटर के अंदर नहीं पी जानी है, पहली बात। दूसरी बात, अपना दही का इनटेक बढ़ा दीजिए, गर्मियों के अंदर दही खाइए, मट्ठा पीजिए, ये सारी चीज़ें करेंगे साथ के अंदर तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना कॉन्स्टिपेशन होगी, ना हीट जनरेट होगी बॉडी के अंदर, और फ़ायदा भी पूरा होगा। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ गर्मियों का तरीका, ये खाली मूसली पाक के साथ नहीं है, शिलाजीत खाते हैं, अश्वगंधा खाते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई बीपी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, हाई बीपी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिसाइड करेगा आपका डॉक्टर कि आपको कितना ज़्यादा हाई बीपी रहता है। क्या हाई बीपी इतना ज़्यादा है कि आपको बीपी की मेडिसिंस खानी पड़ती हैं? क्या बीपी की मेडिसिंस आप आयुर्वेदिक खा रहे हैं या एलोपैथिक खा रहे हैं? इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये अगर आपको बीपी की समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है, बीपी की समस्या मुझे भी है लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा समस्या नहीं है बीपी की। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता है या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मेरे को बीपी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है लेकिन मैं इतना माइंड नहीं करता हूं उसको, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप बीपी की दवाई खाते हैं तो आपको जरूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसी के बाद में आप मूसली पाक का सेवन करिए। ये आप ही के हित में है, बेनिफिट में है, क्योंकि कई दवाइयां ऐसी होती हैं आपस में कंफ्लिक्ट कर जाती हैं, उससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको। तो 8वां सवाल यह है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं झूठ बोलता हूँ? ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ने यूज़ करा या नहीं भी करा हो सकता है, लेकिन वो बोलते हैं कि जी इसको खा के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखिए, फ़ायदा होना या ना होना ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कैसा शरीर है और कितनी उसको डिमांड है। अब अगर आपके शरीर को सपोज़ करिए डिमांड है कि आप दिन के अंदर 40 ग्राम खाएं और आप खा रहे हैं 10 ग्राम 20 ग्राम डोज ले रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, चाहे वो आप 6 महीने खाइए 10 महीने खाइए। तो उसके लिए क्या करना है, फ़ायदा तय कौन करेंगे? फ़ायदा तय करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। अब देखिए, मूसली पाक के साथ में मैं शिलाजीत का कैप्सूल भी खाता हूँ, 500 mg वाला, कभी 250 mg कर देता हूँ उसको, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं यूज़ करता रहता हूँ। और दूसरी बात यह है, जो ये मूसली पाक है ये खाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ही काम नहीं करता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, किसी भी स्ट्रेंथ रिलेटेड बॉडी में अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आप जिम करते हैं, चाहे आप का बहुत ज़्यादा लेबर का काम है, चाहे आप बेड टाइम पे टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है आपकी, या कोई भी बॉडी से रिलेटेड अगर कोई इशू है आपको, तो मूसली पाक उसमें बहुत अच्छी मदद करता है। इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसा कंपोजिशन इसका बनाया गया है कि ये सारी चीज़ों हमारी बॉडी की जो स्टेमिना है उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है हमारी। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, उम्मीद करता हूँ मैंने सारे डिस्कस कर ही लिए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, वो मेरे से किसी व्यूअर ने ईमेल पे पूछी थी, मैं इंक्लूड करना भूल गया, कि डायबिटिक्स ले सकते हैं नहीं ले सकते? तो डायबिटिक्स ले सकते हैं क्या? उसका भी यही एक ही बात है कि अगर आपकी डायबिटीज़ कुछ ज़्यादा ही है, 300 है, 250 है, 400 है, तो भाई फिर तो बिल्कुल मत लीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, हालांकि मैंने कभी सुना नहीं कि मूसली पाक का कोई डायबिटीज़ से लेना देना होता है, लेकिन इस बॉक्स पे मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे कि डायबिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो बेहतर यही रहेगा कि अगर ये प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, खाना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि भाई डायबिटीज़ की कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी इसके साथ में।
तो बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी और आपके ज़्यादातर क्वेश्चनों का मैंने जवाब दे ही दिया होगा। बाकी अगर कोई कमी रह जाए, पेशी रह जाए, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।